दोस्तों, रशियन कंपनी TMH के बाद अब टाटा भी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अगले 2 सालों में 200 वंदे भारत ट्रेन्स के प्रोडक्शन का टारगेट बनाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन्स के प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए अब रेलवेज और टाटा स्टील के बीच कई स्कीम्स को लेकर एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके तहत आने वाले साल में कंपनी 16 कोच वाली 22 वंदे भारत एक्सप्रेस को मैन्युफैक्चर करेगी। और आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी से लेकर थर्ड एसी तक सभी कोचेस में लगने वाली सीट्स को अब टाटा स्टील के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन्स के लिए इन सीट्स को स्पेशली डिजाइन किया गया है, जिन्हें 180 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ इनमें एयरक्राफ्ट जैसी पैसेंजर एमेनिटीज भी प्रोवाइड की गई है। फिलहाल स्कीम के अंडर रेलवेज के द्वारा टाटा स्टील को ट्रेन के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 145 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है, जिसे 12 महीने के टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन के LHB कोचेस को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी टाटा स्टील को मिला है। रेलवे की तरफ से इतने बड़े सीटिंग सिस्टम के ऑर्डर को रिसीव करने के बाद टाटा स्टील के कॉम्पोजिट डिवीजन में इसके प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा रेलवे 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक वंदे भारत के स्लीपर वर्जन को भी रोल आउट करने की तैयारी में है, जो 200 किलोमीटर पर आवर की हाई स्पीड के साथ मौजूदा वंदे भारत ट्रेन्स की तुलना में काफी एडवांस और फास्ट होगी। रेलवे देश भर में वंदे भारत ट्रेन्स को चलाने के लिए एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट देती जा रही है। तो दोस्तों, भारत में वंदे भारत ट्रेन्स को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।